देखिए हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का एक सवाल और लिए हम लोग। कौन सा सवाल है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफएक्स बराबर ये है। कहने का मतलब है ये फंक्शन जो दिया हुआ है वो सारा पॉइंट बताइए जिस पर ये क्या होगा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होगा। नहीं चलिए देखिए हम लोग बनाने का तरीका हमारे पास क्या है, सिंपल सा है। स्टेप पहला हम लोग क्या बोलते हैं, लेट y इज इक्वल टू जो fx बराबर दिया रहेगा सबसे पहले हम लोग उसको y के टर्म में कंसिडर करेंगे। तो कितना हो जाएगा x क्यू माइनस 6x² प्लस का 9x और माइनस 8। नहीं सेकेंड स्टेप मेरा क्या है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, मैंने डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के टर्म में रिस्पेक्ट किए तो ये आपका बनेगा dy अपॉन dx। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x² हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 12x और ये कितना हो जाएगा 9, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। नहीं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 4 लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ y आर गिवन बाय क्या लिखते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू 0। आर गिवन बाय dy अपॉन मतलब फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होने के लिए y को क्या होना पड़ेगा, dy अपॉन x बराबर क्या होना पड़ेगा 0, dy अपॉन x बराबर क्या होना पड़ेगा 0। चलिए आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे फिर इसको। अब हम लोगों के पास dy अपॉन dx नहीं तो ये आपका dy अपॉन dx का वैल्यू यहां रखेंगे कितना हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस का 9 इक्वल टू 0। बच्चों यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का कितना बचेगा 9, सॉरी प्लस का कितना बचेगा 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस लिखेंगे 3x माइनस x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन है तो x माइनस 3 हो जाएगा, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा माइनस 1, तो x माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 3। नहीं उसके बाद इन दोनों से हम लोग कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माने देयरफॉर x की जो वैल्यू आएगा 1 और 3 आएगा और ये बिलोंग्स करेगा किसमें, रियल नंबर में। ये क्या आएगा, एक रियल नंबर, 1 और 3 क्या है मेरा रियल नंबर। नहीं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नाउ जैसे हम लोग सिंगल डेरिवेटिव करके x का वैल्यू निकालते हैं सेकंड स्टेप, उसके बाद हम लोग एक बार क्या करते हैं डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। नाउ d2y अपॉन dx² तो आपको पता है बच्चों कि dy अपॉन dx का वैल्यू हमारे पास कितना था, dy अपॉन dx का वैल्यू हमारे पास था 3x² और माइनस 12x और प्लस का 9 ये था। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा कितना 6x और ये कितना हो जाएगा माइनस का 12। अब मुझे चेक करना है इस पॉइंट पे, मुझे जो पॉइंट दिया हुआ उस पर मुझे चेक करना पड़ेगा कि कहां पे मैक्सिमा है और कहां पे मिनिमा है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग एट, मेरे पास दो पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू वन, एट इक्वल टू वन तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स जो है वो एट एक्स बराबर 1 पे मैं चेक कर रहा हूं। इसका मतलब डबल डेरिवेटिव में जहां पर एक्स की वैल्यू है वहां पे मैं कितना रखूंगा 1, माइनस कितना जगह 12, इसका मतलब 6 माइनस 12 कितना बच गया माइनस 6, माने ये क्या बच गया आपका नेगेटिव बच गया, क्या हो गया नेगेटिव। अब जैसे ये नेगेटिव हुआ इसका मतलब देयरफॉर y has लोकल मिनिमा, सॉरी नेगेटिव इज लोकल मैक्सिमा एंड corresponding लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर 1 पे इज y1। अब सिंपल सा बात है, हम लोग पास एफएक्स की जो वैल्यू था, हमारे पास एफएक्स की जो वैल्यू था उसको मैंने देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, एफएक्स बराबर हमारे पास कितना था, एफएक्स बराबर हमारे पास एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 9x माइनस का 8, ये दिया हुआ था ना, ये दिया हुआ था। इसको हम लोग क्या माने थे वाई, मैंने एक्स क्यू माइनस 6x² और प्लस का 9x माइनस 8, इसको हम लोग क्या माने थे वाई। बस ये x की वैल्यू है, इस y में पुट करेंगे माने कैसा हो जाएगा, ये आपको नहीं लिखना है, बस यहां के बाद यहां से लिखना है इक्वल टू में दिया हूं,
लिखना 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 9 इंटू 1 और माइनस 8। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 माइनस 6 प्लस का 9 और माइनस 8 तो 10 और माइनस कितना हो गया 14, नहीं तो बचा कितना माइनस 4, ये कितना आ गया, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया। किसका आ गया, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया, नहीं क्या आ गया, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को फिर से चेक करना है एट एक्स बराबर कितना पे, 3 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है, अगर 3 पर मुझे चेक करना है और 3 पर मुझे देखना है कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, नहीं। चलिए अब ये मेरा क्या हो गया पॉजिटिव, इसका मतलब देयरफॉर वाई हैज लोकल मिनिमा एंड करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू एट एक्स बराबर 3 पे इज y3। अब y3 का मतलब हो जाएगा y बराबर मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर एक्स प्लस 9x माइनस 8 था ना, इसमें मुझे पुट करना, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस का 8, तो ये 27 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 9 और प्लस 27 माइनस का 8, नहीं तो ये कितना हो जाएगा 27 कितना हो गया 54 और ये कितना हो जाएगा 54 माइनस का 8, ये दोनों कट जाएगा, कितना बच जाएगा माइनस 8, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर।